अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊंगी दिवाली पर बनाए जाने वाला पतले पोहे का चूड़ा। चूड़ा बनाने के लिए हमें चाहिए पोहे। ये मैंने पतले पोहे ली हूँ, आप चाहे तो जाड़े भी ले सकते हैं। इसे अब मैं कढ़ाई में भून लूँगी। नरमपन इसका दूर होने तक के हमें भूनना है। ये देखिए पोहे जो है कुरकुरे हो रहे हैं। पोहे अब ये हो चुके हैं, अब मैं इसे एक थाली में निकाल लूंगी। ये देखिए कुरकुरा हो गया है। अब पैन में मैं छोटी प्लेट सेंगदाना डालूंगी और इसे भून लूंगी। सेंग भूनकर हो चुका है, अब मैं इसे प्लेट में निकाल लूंगी। अब पैन में डालूंगी एक छोटी प्लेट दलिया, इसे भी भून लूंगी। इसे भुना हुआ चना भी बोलते हैं। दलिया भी भूनकर हो चुका है, अब इसे भी मैं प्लेट में निकाल दूंगी। अब इसमें डालूंगी छोटी प्लेट सूखा नारियल, इसे भी भून लूंगी। हल्का सुनहरा करना है इसे। नारियल सुनहरा हो चुका है, अब मैं इसे भी प्लेट में निकाल दूंगी। अभी इसमें डालूंगी मैं छोटी प्लेट काजू। काजू के मैंने दो दो टुकड़े करी हूँ। काजू भी भूनकर हो चुके हैं, अब मैं इसे भी प्लेट में निकाल लूंगी। छोटी प्लेट मनुका भी ली हूँ मैं, इसे मैं भूनूंगी नहीं, इसे मैं ऊपर से ऐसे ही डालूंगी। कढ़ाई में अब मैं तेल डालूंगी। अब डालूंगी दो चम्मच राई जीरा। इसमें मैंने 7 से 8 लहसुन ली हूँ। लहसुन की कली को मैंने कुचल ली हूँ। 2 हरी मिर्ची और थोड़ी कड़ी पत्ता। अभी मैं इसमें ये सब डालूंगी मसाले। और मैं लाल होने तक के पकाऊंगी। इसमें डालूंगी अब मैं नमक 1/2 चम्मच स्वाद के हिसाब से। लहसुन लाल हो चुका है, अब मैं डालूंगी इसमें हल्दी 1/4 चम्मच हल्दी। अभी मैं इसमें ये सारे भुने हुए मसाले, ये भुने हुए चीजें डाल दूंगी। ये अच्छे से मिक्स हो गया है, अब मैं इसमें डालूंगी पोहे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी और गैस को हम एकदम स्लो ही रखेंगे। चूड़ा अभी बनकर तैयार हो गया है, अब मैं इसे बाउल में निकाल लूंगी। माशाल्लाह पोहे का चूड़ा बनकर तैयार हो चुका है। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।